डियर फ्रेंड्स, आप लोग को एक बार मेरा जो यूट्यूब चैनल है इन्फॉर्मेटिव ऑफ ट्रांसमिशन ऑनलाइन एग्जीबिशन, उसमें स्वागत है। इसी चैनल में हम लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। प्रॉप का लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वो किया है। अभी एक आज जो वीडियो हम लोग करेंगे वो है प्रॉप का डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये ड्रॉइंग को रिफर करते हैं। ये ड्रॉइंग है, ये स्टाफ है, ये प्रॉप है। ये प्रॉप एक प्लेट में लगा होता है, यहां प्रॉप का अंदर होल है, यहां से हम लोग बोल्ट को घुसा देते हैं और ये प्लेट में चार होल रहता है जिसमें बोल्ट देके मिट्टी के साथ इसको गाड़ देते हैं। ये स्टाफ का तीनों एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां हमने तीनों एक्सिस को ड्रॉ किया। इसमें क्या है, ये प्रॉप जो हमने लगा हुआ है, प्रॉप बेसिकली दोनों पिन जॉइंट है, बोल्ट नट मतलब पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट। तो इसलिए क्या है, इसका दो पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, हिंज जॉइंट में दो रिएक्शन काम करता है, एक हेलम का प्लेन और परपेंडिकुलर का प्लेन। अभी ये जो बोल्ट है तो यहाँ दो फोर्स को हमने इसको एक्सप्लेन मतलब दिखाया है, ये एलोंग द बोल्ट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रॉप, और ये है एलोंग द प्रॉप, प्लेन ऑफ द प्रॉप। ये इसी फ्लेंज के लिए है। सिमिलरली इधर फ्लेंज में भी हम लोग प्रॉप लगाता है, तो यहां भी दोनों फोर्स को हमने मेंशन किया, रिएक्शन फोर्स। इसमें देखिए ये जो दो फोर्स है, ये दो फोर्स क्या है, ये एक्चुअली जब इधर जो फोर्स काम करेगा सेम इधर जब इसी बोल्ट में आएगा ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसलिए इसी बोल्ट पॉइंट में अगर आर ए वाई काम करेगा तो इधर जब प्रॉप का बोल्ट लगेगा वो आर ए एक्स आएगा, और इधर जब हमने पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रॉप को आर एक्स करेंगे तो इसका आर ए वाई आएगा पैरेलल टू द प्रॉप। इसलिए देखिए यहां हमने मेंशन किया, अच्छा इससे जाने से पहले एक चीज बोलता हूं, यह क्या है, ये वेट ऑफ स्टाफ मतलब ये सीजी पॉइंट है, ये आपको ड्राइंग से मिल जाएगा, ये सीजी पॉइंट है। हमको पता है कि सीजी से वेट कम करता है, सो दिस इज द सीजी पॉइंट। अब ये सीजी पॉइंट से स्टाफ का वेट का स्टाफ कम करेगा, कैसे कम करेगा ना, टोटली वर्टिकली कम करेगा, दिस इज वर्टिकल। अभी इसको हम लोग आते जो हमने एक्सप्लेन किया, इसमें जो हमने लिखा WS is equal to weight of staff, ये WS weight of staff, ये फ्लेंज के लिए, जैसा ये फ्लेंज के लिए RAY reaction on A, reaction on A perpendicular the plane of prop, ये prop का प्लेन है और इसका परपेंडिकुलर है। RAX क्या है, ये है reaction at point A on A parallel to the prop, ये फ्लेंज के लिए है। दूसरा फ्लेंज के लिए क्या है, हमने बोला कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, इसलिए आधा फ्लेंज के लिए क्या है, आर एक्स है रिएक्शन एट पॉइंट व्हेयर प्रॉप, ए पॉइंट पे प्रॉप को फिक्स किया हमने, तो ये क्या हो गया, प्लेन प्रॉप का परपेंडिकुलर हो गया, ये प्रॉप का प्लेन है, ये परपेंडिकुलर हो गया। आर ए वाई क्या हो गया, रिएक्शन एट द पॉइंट व्हेयर प्रॉप इज फिक्स्ड विद द स्टाफ दैट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रॉप, मतलब प्रॉप इस तरीके से रहेगा इसलिए आर ए वाई इधर काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक हमने अरेंजमेंट ड्रॉइंग इसको किया है। अभी इसको हमने तीन चीज में थोड़ा डिवाइड किया है, क्या है, पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्टाफ लिया, मतलब स्टाफ का अंदर क्या क्या फोर्स काम करेगा। यहां एक चीज हमने यहां कर सकते हैं, ये है वेट ऑफ स्टाफ, ये काम करेगा, मतलब यहां से आएगा इधर से आएगा, ये वेट ऑफ स्टाफ काम करेगा। यहां देखिए जैसा मैंने बोला था, ये आर ए वाई इधर फ्रेंच के लिए, ये इधर फ्रेंच के लिए जो फोर्स है यहां ड्रॉ किया, और इधर फ्रेंच के लिए जो फोर्स है यहां ड्रॉ किया, और यहां जैसा वेट ऑफ स्टाफ यहां है, ये वेट ऑफ स्टाफ इधर ड्रॉ कर दिया, इधर हमने शो किया। अभी स्टाफ का हो गया, और इसके बाद हमने प्रॉप को दिखाया, प्रॉप को कैसे दिया, जस्ट ये प्रॉप उठा के यहां डाल दिया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मतलब दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, बी पॉइंट मतलब जहां से हमने ये बोल्ट को लगाया प्लेट को साथ लगाने के लिए।
तो यहाँ क्या दोनों फोर्स है, ये आर ओ वाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रॉप, और इधर जो बी पॉइंट है ए बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रॉप। यहाँ क्या होगा, ये प्रॉप बेसिकली इंक्लाइंड रहता है, इसलिए क्या रहेगा इसका वेट जो आएगा, ये वेट को ये तो वर्टिकली आएगा, इसलिए वेट को दोनों कंपोनेंट आएगा, अलोंग द प्लेन ऑफ द प्रॉप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रॉप। अरे देखिए यहाँ क्या है, हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये जब प्रॉप एंगल करता है हॉरिजॉन्टल के साथ, इट्स मेक्स एंगल ऑफ अल्फा, ये वर्टिकल है इसलिए क्या कर रहा है वर्टिकल के साथ 90 माइनस अल्फा कर रहा है। अभी ये डब्ल्यू पी जो वेट ऑफ प्रॉप हमने लिखा, इसको दोनों कंपोनेंट को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये आएगा, ये जो पार्ट आएगा, दिस पार्ट विल बेसिकली कम डब्ल्यू पी कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये पार्ट को दिस इज ये पार्ट, तो ये पार्ट के लिए क्या आएगा, ये आएगा डब्ल्यू पी साइन अल्फा, इसलिए ये फोर्स को हमने यहां डब्ल्यू पी साइन अल्फा दिखाया, ये फोर्स ये पैरेलल टू द प्लेन। अभी परपेंडिकुलर प्लेन क्या करेगा, परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा आएगा, तो ये क्या आएगा डब्ल्यू पी साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा मींस कॉस अल्फा, ये है डब्ल्यू पी कॉस अल्फा। तो ये दोनों फोर्स को हमने यहां रेजुलेट किया, मतलब इसको कंपोनेंट में, ये फोर्स को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। यहां क्या है, ये डब्ल्यू एस है वेट ऑफ स्टफ, इसका भी तीनों कंपोनेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा स्टाफ है, ये स्टाफ ऑलरेडी वर्टिकल के साथ एक एंगल में बैठा है, तो मतलब इसका तीनों एक्सिस होगा। पहले अगर मेरे स्टाफ अगर ऐसे होते इसको क्या होता, तीनों एक्सिस होता ऐसे, अभी क्या हो गया ये ऐसा नहीं है, ये इंस्टेड ऑफ दिस अभी मेरा एक्सिस ऐसा हो गया, एक्सिस ऐसा हो गया, ये क्या कर रहा है बेसिकली वर्टिकल के साथ एक एंगल कर रहा है। तो अभी क्या है, ये जो वेट ऑफ स्टाफ है ये भी वर्टिकल है, तो अगर ये एक्सिस वर्टिकल के साथ एंगल करेगा तो प्रॉप का साथ बेसिकली हमने इसका जो वेट है, ये वेट को वेट का जो तीनों एक्सिस होगा ना, क्योंकि ये प्रॉप ये तो स्टाफ है, स्टाफ का एक्सिस है, अभी स्टाफ का एक्सिस हो गया, तो ये वर्टिकल के साथ कर रहा है बदलाव, ये एक्सिस को मैं अगर इधर उठा के लेके आऊं, तो ये एक्सिस को हम इधर लेके आऊं तो क्या करेंगे, ये ऐसा आएगा वन, एक आपका लेंथ स्टाफ का लेंथ बराबर, एक इधर एक इधर, हमने क्या किया है एक्सिस को जस्ट शिफ्ट करके वेट का जगह में जहां से कम कर रहे हैं यहां इसको शिफ्ट करके तीनों में डिवाइड कर दिया। अभी ये जो एंगल है ये है बीटा, आप लोग यहां अल्फा देखा है, ये है बीटा, बीटा क्या है हमने बोला था ये सेकेंड स्लोप है, क्योंकि इसका जो हील पॉइंट है यह एंगल जो कर रहा है, यह जो स्टाफ का साथ जो तीनों एक्सिस कर रहा है, ये हील है, ये हील वर्टिकल का साथ एंगल कर रहा है, तो ये सेकेंड स्लोप है इसलिए बीटा है, इसलिए ये कंपोनेंट को हमने तीनों जगह डिवाइड कर दिया। ये है वेट ऑफ द स्टाफ मेन, इसको तीनों कंपोनेंट तीनों एक्सिस का है, ये है मतलब अलोंग द एक्सिस डब्ल्यू एस एक्स, ये परपेंडिकुलर टू द नॉट सॉरी अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए डब्ल्यू एस एक्स सफिक्स एस किया, ये वाई एक्सिस बराबर है इस डब्ल्यू एस वाई सफिक्स, और ये है डब्ल्यू एस जेड, ये तीनों जो एक्सिस को दिखाया हमने ये जस्ट इसका ही कॉपी कैट है, ये तीनों में डिवाइड किया। अभी हमको क्या करना है, ये फॉर्म ऐसे खड़े हैं, अभी हमको इक्विलिब्रियम करना है, हमारा मेन फंडा है जो स्टाफ का जो वेट है इसको प्रॉप पे कैसे इक्वेट करें, तभी हमको प्रॉप का डायमीटर हमको आराम से मिल जाएगा। अभी जब तीनों ऐसे खड़े हैं, जब ऐसे सिचुएशन है, तो हमने क्या कर सकते हैं, ये जो आर ए वाई है, देखिए ये आर ए वाई है, ये आर ए वाई इधर है, और क्या है ये आर ए वाई बराबर इधर जा रहा है, मतलब पैरेलल परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, तो आर ए वाई इधर है, तो ये इसके साथ इक्वेट करेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जो है ये इसके बराबर है, और ये दोनों फोर्स दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, मतलब आर ए वाई इधर आएगा तो डब्ल्यू वाई इधर आएगा, इसलिए दोनों को हमने
डब्ल्यू एस वाई सॉरी, ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिमिलरली देखिए आर एक्स भी ऐसा ही है, आर एक्स क्या एक्स वाई है, मतलब ये फोर्स इधर जा रहा है, हमने इनका साथ इक्वेट कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए आर एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एस एक्स को लिखा। यहां क्या है, इसकी साथ कोई कंपोनेंट जरूरत भी नहीं है, हमको इसका जरूरत भी नहीं है, इसलिए हमने जस्ट इसको इसकी रेस्पेक्टिव कुछ भी वाइडिया दिखाया नहीं है। ये स्टाफ के लिए अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम को रिफर करेंगे, इसके साथ इसको अगर हम रिफर करेंगे तो ये इधर आपको मिल जाएगा, ये दोनों फिगर को आप देख लीजिएगा आपको समझ में आएगा। इसके बाद प्रॉप को क्या क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्रॉप, इसको प्रॉप को हमने जो 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 फोर्स काम कर रहा है उसी हिसाब से हमने क्या किया, देखिए प्रॉप को हमने आर ए वाई किया और आर बी वाई दोनों को क्या कर दिया, इसका साथ कर दिया, इक्वल कर दिया। इसको याद रखिएगा कि ये जो फोर्स है ये पैरेलल टू द प्रॉप और परपेंडिकुलर टू द प्रॉप, यार पैरेलल टू द प्रॉप क्या हो रहा है, आर ए एक्स वाई इधर काम कर रहा है, इधर आर ए बी एक्स वाई काम कर रहा है। अभी इसमें हमको क्या करना है, ये जगह में हम इसको जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें क्या रहेगा, इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अभी इसमें क्या है, ये प्रॉप का पहले हमने जो दिखाया था आर ए वाई आर बी वाई इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा, इसको हमने क्या किया, अभी मोमेंट को ले रहे हैं प्रॉप का, मोमेंट को क्या है, इसका रेस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं, तो आर बी वाई इंटू प्रॉप का लेंथ एल इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा इंटू एल बाई टू, क्या डब्ल्यू पी इसका सेंटर से कम करेगा मतलब मिडिल से, इसलिए डब्ल्यू पी कॉस अल्फा इंटू एल बाई टू, तो इसको हम दोनों तरफ अगर कैंसिल करते हैं तो आता है आर बी वाई इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा बाई टू। हम लोग का क्या था, हम लोग का पहला जो इक्वेशन था इधर, वो इक्वेशन था नहीं, ना ये जो इक्वेशन था ये था आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा, यही था ये दोनों का इक्विलिब्रियम का हिसाब से। तो अभी आर ए बी अगर मेरे को मिल गया तो यहां से मैं अगर डालू तो आर ए वाई आएगा डब्ल्यू पी कॉस अल्फा बाई टू, ये एक फ्लेंज के लिए आया, ये फ्लेंज के लिए, आधा फ्लेंज के लिए क्या आएगा, आधा फ्लेंज के लिए मैंने बोला था कि फोर्स जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसलिए देखिए यहां जैसे मैं वर्टिकल फोर्स को आर ए दिखाया, इधर हमने आर ए एक्स दिखाया, तो आर ए एक्स है, इधर का जो हमने आर बी वाई बोला था इधर हमने आर बी एक्स को पकड़ा, तो यहां भी इक्वल एक्चुअली क्या रहेगा, इसका इक्वेशन भी यही आएगा आर ए एक्स प्लस आर बी डैश एक्स इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा, यहां भी यही कंडीशन आएगा इक्विलिब्रियम का। यहां भी मैंने यहां से अगर मैं इसको प्रॉप मतलब मोमेंट को लू तो क्या रहेगा, ये आर बी एक्स डैश, आर बी एक्स डैश ये प्रॉप का लेंथ एल, ये एल, ये डब्ल्यू पी कॉस अल्फा आ गया, डब्ल्यू पी कॉस अल्फा आ गया इंटू एल बाई टू, ये करके हमको आ रहा है आर बी डैश मतलब आर डैश बी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा, तो यहां हमने अगर इसको पुट करते हैं तो डब्ल्यू आर एक्स आएगा डब्ल्यू पी कॉस अल्फा। तो हमने इसका अभी जस्ट रेजोल्यूशन कर लिया है, अभी हमको क्या है इसका ये वीडियो को यहां ही हम इसको मतलब क्लोज कर रहे हैं, इसका रेस्पेक्टिवली ये पार्ट वन है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फर्दर कंटिन्यूएशन करेंगे, नहीं तो क्या है वीडियो का बहुत लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहां मैं क्लोज मतलब क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, आप ये पार्ट वन को देखिए, नेक्स्ट वन पार्ट टू ऑल्सो विल बी लोडेड वेरी सून। तो और इसको जैसा हमने बोला था, देखिए मेरे जो चैनल का साइट में एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देगा, वहां से ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमने इसको एक्सप्लेन कर रहा है इसको आप लोग जो जो नॉलेज है वो नॉलेज को गैदर करिए, ठीक है। सो जस्ट वी आर क्लोजिंग द वीडियो हियर एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी लोडिंग सून, थैंक यू।